अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? तो जी, एक तो आज जो है ना, मेरे वार्ड में थोड़ा शोर शराबा मचा हुआ है, थोड़ा विजिट है तो इस वजह से ना। तो जी, आज जो है ना, वो मेरा टॉपिक था कि कौन कौन, मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करूं कि कौन जो है वो किडनी डोनेट कर सकता है, आपको दे सकता है पाकिस्तान के अंदर। मतलब क्राइटेरिया क्या डोनर का जो होता है ना, डोनेशन का क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो उसके में ना सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो यही आता है कि रिलेटिविटी, कि वो आपका रिलेटिव हो, वो आपका रिश्तेदार है, ये ही जो है ना लीगली जो है ना एक्सेप्टेबल है डोनर ना, कि आपका रिश्तेदार हो। आउट ऑफ फैमिली जो है वो डोनर जो है वो लीगली तौर पे जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए जो है ना, कई सारे लोग जो होते हैं ना, मतलब जैसे इवन फ्रेंड्स भी नहीं दे सकते। मतलब हमारे पाकिस्तान के अंदर जैसे फ्रेंड्स भी कभी कभार, मुझे याद है मेरे टाइम पे जो है ना, वो मुझे कुछ मेरे दोस्तों ने कहा था कि हम आपको डोनेट करते हैं, बट वही वाला इशू आ रहा था क्योंकि वो रिलेटिव नहीं थे, तो इस वजह से जो है ना उनका एक्सेप्टेबल जो है वो नहीं था। ठीक है, रिलेटेड होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर। आप किसी भी सेटअप का नाम ले लो, SIUT ले लो, PKLI ले लो, PAF ले लो, शिफा ले लो, या कोई भी और सेटअप जो है वहाँ पे, इस मेन चीज़ जो सबसे पहले देखी जाती है वो यही है कि वो आपका रिलेटिव हो, डोनर आपका रिलेटिव होना चाहिए। दूर का रिश्तेदार हो तो भी एक्सेप्टेबल है। हाँ, लेकिन जो CMH है, मैं पिंडी में गई थी वहां पे, तो वहां पे उनका है कि सिर्फ क्लोज रिलेटिव को वो अलाउ करते हैं, जैसे कि आपके बहन भाई आपको दे सकते हैं, या पेरेंट्स दे सकते हैं, या आपके हस्बैंड, या फिर आपका किड। सिर्फ कजन भी अलाउ नहीं है वहां पे जो है ना। कजन मेरे केस के अंदर जैसे मेरा था ना, तो उन्होंने अलाउ नहीं किया, तो उन्होंने कहा था कि नहीं सॉरी, हम आपके क्योंकि कजन ब्रदर हैं तो हम उनको अलाउ नहीं कर सकते हैं। हमारे इतना उनका इतना स्ट्रिक्ट है ये चीज़ ना, स्ट्रिक्ट काफ़ी ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे क्या चीज़ देखी जाती है, वो होती है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप सेम होना जो है ना वो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। आपका रिश्तेदार हो गया, वो वाली रिक्वायरमेंट वहीं पे रहेगी। दूसरे नंबर पे जो आती है वो आती है ब्लड ग्रुप की रिक्वायरमेंट, कि आपका सेम ब्लड ग्रुप है। जैसे कि अगर मेरा बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो जो मेरे डोनर का ब्लड ग्रुप था वो भी बी पॉजिटिव ही था। ठीक है, तो ये बी पॉजिटिव और बी पॉजिटिव वाली जो है ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हाँ, ओ पॉजिटिव वाला जो है वो भी दे सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रेफर जो किया जाता है वो सेम ब्लड ग्रुप को ही प्रेफर किया जाता है, कि सेम ब्लड ग्रुप हो। तीसरे नंबर पे क्राइटेरिया जो है वो है डोनर का हेल्दी होना। डोनर अगर हेल्दी है तो ट्रांसप्लांट हो सकता है, अगर डोनर के अंदर जो है ना कोई भी हेल्थ इशू है तो वो नहीं ट्रांसप्लांट करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो डोनर था, जब हम PKLI गए थे तब का मैं आपको बताती हूँ, उसका ये हुआ था कि उसका एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो था ना, क्योंकि उनका ये था कि उसकी ना शुगर की हमारी फैमिली हिस्ट्री है, मतलब मेरे नाना नानी को भी थी, मेरे दादा दादी को भी थी, तो उससे हम सब में वो जीन्स आए हुए हैं, ननियाल की तरफ से भी, ददियाल की तरफ से भी ना, तो उनकी भी फैमिली हिस्ट्री थी। तो उन्होंने ना ग्लूकोज का एक टेस्ट करवाया, तो वो ये नहीं था कि वो एबनॉर्मल रेंज में था, लेकिन वो अपर लिमिट था। अगर 150 नॉर्मल है तो उनका 142 पे वो टेस्ट आया। तो जब हम लोगों ने, हालांकि उसके बाद जब हमने वो टेस्ट दोबारा रिपीट करवाया तो बिल्कुल नॉर्मल था, वो नील था, मतलब उनका बिल्कुल नॉर्मल रेंज के अंदर था, अपर लिमिट में भी नहीं था, मतलब बहुत नॉर्मल रेंज के अंदर आया था ना। लेकिन PKLI वालों ने सिर्फ इस बेसिस पे जो है ना रिजेक्ट कर दिया था डोनर के, नहीं हम नहीं कर सकते इनका ट्रांसप्लांट ना, क्योंकि इनका, उन्होंने ये मुझे लाइन कभी नहीं भूलेगी, और ये लाइन उन्होंने मेरे मामू से की थी, जो कि मतलब उनके, मेरे डोनर के जो फादर हैं उनसे कही थी कि देखें, अगर खुदा ना खास्ता आज से 20 साल के बाद आपके बेटे को शुगर हो जाती है, और अगर खुदा ना खास्ता वो शुगर इनके गुर्दे पे असर कर देती है, तो तब क्या होगा। ठीक है, और मेरे मामू उनसे कह रहे थे कि बेटा जो आप कह रहे हो वो आगे का बहुत फ्यूचर वाली बात कर रहे हो ना, मेरी बेटी ये जो बैठी हुई है इसको तो अभी रिसेंट हुआ हुआ है, इसको ये सब कुछ हो चुका है, इसके गुर्दे खराब हो चुके हैं, और आप जो हो ना वो मुझे इतने आगे का सोच के जो है इनकार कर रहे हो ना, वो तो अल्लाह को पता है ना। तो ये चीज़ उन्होंने लाजमी, तो डोनर का हेल्दी होना, मैं इसलिए, मैं आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि क्राइटेरिया इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले डोनर की हेल्थ देखी जाती है, बाद में रिसिपियंट की हेल्थ देखी जाती है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आते हैं बाकी क्रॉस मैच वाले टेस्ट, जिसमें HLA टाइपिंग होती है, इसके अंदर एंटीबॉडीज के टेस्ट होते हैं, ल्यूमिनेक्स होते हैं, और भी कई सारे टेस्ट के नाम हैं जो करवाए जाते हैं। वो सारे टेस्ट अगर नेगेटिव आते हैं तो ही जाके आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होता। जैसे कि मुझे याद है मेरे टाइम के अंदर जो है, जब मेरा
पीएफ के अंदर जो है वो ट्रांसप्लांट होना था और फिर वो रिजेक्ट हुआ था, वो इसी रीजन की बेसिस पे हुआ था कि थोड़ी सी जो एंटीबॉडीज थी ना वो पॉजिटिव आ रही थी, ज़्यादा नहीं थी, मतलब 5-10% एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ रही थी, और सिर्फ इस वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि यहाँ पे नहीं हो सकता है क्योंकि वो भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा एज ग्रुप बहुत मैटर करती है, यंग एज को जैसे कि लेस देन 20 वाले या अबव 60 वालों का वो नहीं करते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स थे, मेरे पेरेंट्स 60 प्लस एज वाले हैं, तो उनका ओल्ड एज वाला ही वो इस वजह से ही क्राइटेरिया से निकल रहे थे। उसके अलावा मेरे पेरेंट्स जो है डायबिटिक भी हैं, हाइपरटेंसिव भी हैं, तो इसलिए वो तो आउट ऑफ क्राइटेरिया थे ना, मतलब क्राइटेरिया में वो आ ही नहीं रहे थे, इसलिए वो बेचारे मुझे नहीं दे पा रहे थे, वरना वो बेचारे उनको बस नहीं चल रहा था कि वो खुद अपने हाथों से अपने गुर्दे निकाल के मेरे में फिट कर दें और ठीक हो जाऊं मैं ना, बट सिर्फ यही क्राइटेरिया ये वजह थी कि वो मुझे नहीं दे सकते थे। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने आपको अपना पीएफ का भी बता दिया और पीकेलाई का भी रिजेक्शन की वजह बता दी, एसआईटी की भी बता दी थी, अब मैं आपको बताती हूँ शिफा में जहाँ पे मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है वहाँ पे एक तो जो ये था कि अच्छा तो मैं बताती थी कि शिफा में जहाँ पे जो है वो क्या था, एक तो पहले नंबर पे जो एसआईटी वाला जो क्राइटेरिया था डायलिसिस वाला, तो शिफा के अंदर प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, यानी कि डायलिसिस से पहले वाले ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, तो इस वजह से वो वाला क्राइटेरिया वहाँ पे हो जाता है। अब पीकेएलआई में जो मेरे रिजेक्शन की चांसेस जो रीज़न दी हुई थी उन्होंने कि ना शुगर का टेस्ट जो है वो अपर लिमिट पे है, वो उन्होंने रिपीट करवाया था शिफा वालों ने, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आया था, तो इसीलिए वो वाली चीज़ भी बच गई, वरना मैं ये सोच के परेशान थी पीकेएलआई की, जैसे कि मेरी तो फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की है, तो वो तो मतलब फिर तो मेरा कोई रिलेटेड डोनर ही नहीं बनता बचता जो कि वो आ सके। अच्छा तो हाँ, तो मैं खुद वाकई परेशान थी कि कैसे जो है ना वो, मतलब मेरा तो फिर रिलेटेड ट्रांस जो है डोनर कोई बचता ही नहीं है, क्योंकि हमारी तो फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की है, अगर सिर्फ 20 साल बाद किसी को ट्रांस शुगर के बेसिस पे अगर होगा तो फिर तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। खैर ये वाला क्राइटेरिया। तीसरे नंबर पर जो पीएफ की रीज़न थी कि मेरी जो थोड़ी सी एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ रही थी, उसके लिए उन्होंने फिर वो इम्यूनोथेरेपी स्टार्ट की। इम्यूनोथेरेपी के अंदर उन्होंने यही किया था कि मेरे मुझे जो है वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स यानी कि कुव्वत मुदाफियत जो कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं वो उन्होंने मेरी ट्रांसप्लांट से पहले स्टार्ट करा दी, इसलिए फिर जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था उस टाइम पर जो मेरी इम्यूनिटी थी वो उन्होंने ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, नेगेटिव हो गई थी वो सारी एंटीबॉडीज़, तो इस वजह से फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ट्रांसप्लांट पॉजिटिव जो है पॉसिबल हो पाया था अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, ये सारे स्टेप्स के जब भी आप किसी सेटअप में जाएं तो ये चीज़ अपने माइंड में रख के जाएं कि क्या क्या चीज़ें जो है ना वो पॉसिबिलिटी है, ताकि आप उसी हिसाब से जो है वो डोनर अरेंज हो और आप ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ सकें। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हर किसी की हिफाजत करे, बीमारियों से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से और आजमाइशों से बचाए। आमीन। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।